स्टूडेंट्स अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका सेकंड पार्ट इसके अंदर है -5/6 तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या चेक करना है कि जो हमारा फ्रैक्शन है वो 1 से बड़ा है या छोटा है सबसे पहले इसके क्वेश्चन के अंदर क्या है कि -5/6 है तो माइनस साइन को इग्नोर करने के बाद हमारा क्या है फ्रैक्शन 5/6 है इसके अंदर हमारा डिनोमिनेटर 6 है और न्यूमरेटर हमारा 5 है यहां पे क्या है न्यूमिनेटर दैट इज लेस देन डिनोमिनेटर तो ये नंबर हमारा क्या आएगा दैट इज लेस देन 1 तो इट मींस ये नंबर क्या आएगा 0 और 1 के बीच में आएगा और ये हमारा नंबर जो है नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव साइड के अंदर नहीं जा सकता क्या होएगा हमारा नंबर है वो -1 और 0 के अंदर आएगा तो रिप्रेजेंट करते हैं इसको यहां पे लिख लेंगे हम लोग -1 यहां पे लिख लेंगे 0 तो एक बात का ध्यान रखना जब भी हमारा नंबर नेगेटिव होएगा तो हम जो काउंटिंग है वो रिवर्स लिखेंगे तो हमारा -1 है बेसिकली इज -6/6 तो सबसे पहले यहां पे 6 है तो हम लोगों ने इसके 6 इक्वल पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड कर लेना है 1 2 3 4 5 और 6 ये कि 1 2 3 4 5 और 6 ये हमारा हो गया 6/6 ये हमारा पॉइंट आ जाएगा -5/6 ये है हमारा 4/6 अब इसी तरह से 3/6 2/6 और ये हमारा 1/6 है और हमारा नंबर जो था -5/6 तो ये यहां पे आ जाएगा -5/6 ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट